जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर शाह की मीटिंग, सेना प्रमुख रॉ के अधिकारी शामिल। आरएसएस चीफ ने कहा था मणिपुर पर ध्यान देने की जरूरत। मणिपुर हिंसा और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक चल रही है। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह और असम राइफल्स के डीजी प्रदीप चंद्रन नायर बैठक में शामिल हुए। एक दिन पहले यानी रविवार 16 जून ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को आतंकवाद और आतंकियों के मददगारों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। मोदी कैबिनेट के शपथ लेने के एक दिन बाद 10 जून को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। मणिपुर की राज्यपाल ने की थी शाह से मुलाकात। मणिपुर के हालात पर यह हाई लेवल मीटिंग राज्यपाल अनुसुईया उइके की गृह मंत्री से मुलाकात के एक दिन बाद बुलाई गई है। अनुसुईया ने शाह से मुलाकात के दौरान पूर्वोत्तर राज्य की मौजूदा स्थितियों के बारे में जानकारी दी थी। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से जातीय हिंसा जारी है, जब अखिल आदिवासी छात्र संघ यानी ATSU ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित रैली में झड़पें हुई, जो देखते ही देखते पूर्वी पश्चिमी इम्फाल, विष्णुपुर, तेंगनुपाल और कांगपो कपी समेत अन्य जिलों में फैल गई। जून में एक व्यक्ति की हत्या के बाद कोटलेन में अज्ञात बदमाशों ने मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के कई घरों को जला दिया। इसके बाद जिरीराम के 600 लोग असम के कछार जिले में शरण ले रहे हैं। मणिपुर में 67,000 लोग विस्थापित हुए। जिनेवा के इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी IDMC ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि साल 2023 में साउथ एशिया में 69,000 लोग विस्थापित हुए।